सो यहाँ पे हम बेसिकली देखने वाले हैं द कैंपेन विच आर रनिंग ऑन द गूगल एड्स प्लेटफॉर्म, राइट। सो गूगल एड्स प्लेटफॉर्म में आपका साइन इन होके बन जाएगा अकाउंट वगैरह, राइट। यू विल हैव सम काइंड ऑफ आईडी और वहाँ से जाके आप उनके डैशबोर्ड से बेसिकली यू विल जस्ट स्टार्ट ऑन द न्यू फ्रेश कैंपेन, राइट। सो न्यू कैंपेन पे हम क्लिक करेंगे, सो यू विल हैव दिस काइंड ऑफ कैंपेन ऑप्शन अवेलेबल, राइट। सो यहाँ एक एक करके देख लेते हैं। सो बेसिकली व्हाट्स योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज, राइट। सो हमारा कंपनी जो है या हमारी सर्विसेज जो है या हमारा क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। सो हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द रेवेन्यू, टू जनरेट द लीड्स और टू डू द ब्रांड अवेयरनेस, राइट। या तो फिर सेल्स बढ़ानी है, या तो फिर ओनली वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना है, राइट। लोकल स्टोर है उसका प्रमोशंस करना है। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल हियर। सो इन विच कैटेगरी दैट योर बिजनेस इज गेटिंग फिट, सो यू हैव टू एनालाइज, राइट। सो अगर सेल्स है सो यू गो टू दिस, अगर लीड्स लानी है आपको यू गो टू दिस, वेबसाइट ट्रैफिक लाना है सो यू गो टू दिस। इसके लिए हमें अपने वेबसाइट का यूआरएल डोमेन वगैरह ऑलरेडी रजिस्टर होना चाहिए, राइट। आपकी वेबसाइट लाइव होनी चाहिए, राइट। प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन टू एनकरेज द पीपल टू एक्सप्लोर योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, अगर ऐसा कुछ है सो यू गो ओवर हियर। अगर ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना है टू रीच अ ब्रॉड ऑडियंस एंड बिल्ड अवेयरनेस कि ये मेरा ब्रांड है, ये चीज़ हम कर रहे हैं, राइट, ये हमारी सर्विसेज हैं, राइट, दिस आर अवर गोल्स। सो ये सारी चीज़ के लिए वी हैव टू गो टू द ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच। आपने कोई ऐप बना ली एंड लेट्स से यू वॉन्ट टू डू द ऐप प्रमोशन, राइट। सो गेट मोर इंस्टॉल एंगेजमेंट एंड प्री रजिस्ट्रेशन फॉर योर ऐप। सो आप प्ले स्टोर या इसमें आप अपने एप्लीकेशन वगैरह लोड करवाते हैं, राइट। सो अगर मान लो कि वो एप्लीकेशन किसी को पता ही नहीं कि ऐसा कुछ अवेलेबल है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर ऐप प्रमोशंस। सो आप अपने ऐप के बारे में बताइए कि आपने क्या ऐप बनाया है, सो पीपल वुड लाइक टू गेट कनेक्ट टू आवर ऐप एंड दे कैन यूज़ द ऐप बेस्ड ऑन दर इंटरेस्ट, राइट। जैसे लोकल स्टोर हो गया, सो ड्राइव विजिट टू लोकल स्टोर, आपके लोकल स्टोर पे कोई आ नहीं रहा है या तो फिर यू वॉन्ट मोर पीपल टू विजिट द स्टोर्स, राइट। सो वो चाहे रेस्टोरेंट भी हो सकता है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस ऑप्शन। या तो फिर ये एक ऑप्शन है कि आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता एंड जस्ट यू क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। हमें गोल नहीं पता, राइट। सो जस्ट हम सिंपली यहाँ से कैंपेन क्लिक करके रन करवा देंगे, राइट। सो आई विल जस्ट शो यू व्हाट आर द थिंग्स दैट विल बी नीडेड। अगर सेल्स में जा रहे हैं, राइट, सो यहाँ पे भी आपको दिखाएगा। जैसे मेरे पास अभी कोई वेबसाइट अवेलेबल है नहीं, राइट। सो आई नीड सम काइंड ऑफ वेबसाइट, सो आई कैन जस्ट पेस्ट इट हियर द यूआरएल। सो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, राइट। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे विल रिक्वायर द वेबसाइट विच आर रनिंग लाइव, जैसे ऐप वगैरह है, राइट। सो ऐप में इफ़ यू गो टू दिस, सो ऐप आपका किस तरह से दिखेगा, राइट। सो इसमें ऐप इंस्टॉल एंगेजमेंट प्री रजिस्ट्रेशन एंड्रॉयड में आपका बना है, आईओएस में बना है, राइट। ऐप का आपका नेम जो है या पैकेज है या प्ले स्टोर का यूआरएल है, सो यू कैन जस्ट पेस्ट इट हियर। कैंपेन का नाम रख दीजिए, राइट। सो आई एम नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ कैटेगरी, सो राइट नाउ आई विल नॉट बी एबल टू शो यू। बट इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस जहाँ पे आप ऐप डेवलप करते हैं, सो ऑफ कोर्स यू विल हैव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे जाके आप ये चीज़ कर सकते हैं, राइट। आपकी ब्रांड अवेयरनेस है, सो यहाँ पे भी आप डिस्प्ले में दिखा सकते हैं कि आप क्या ब्रांड कर रहे हैं, राइट। सो अगेन दैट इज लीडिंग टू द सेम। यहाँ पे आपकी बिजनेस की साइट वगैरह है, वेबसाइट वगैरह, सो यू हैव टू पेस्ट इट हियर। और यहाँ आप कैंपेन का नाम रख दीजिए कि क्या कैंपेन आपको रन करवाना है, राइट। सो इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, सो यू नीड टू पिक व्हाट एग्जैक्टली योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज, राइट। सो यहाँ पे मैं जैसे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ कि जहाँ पे आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ गोल गाइडेंस, सो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी
बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है इन द कैंपेन। सर्च ऑप्शंस है, परफॉर्मेंस मैक्स ऑप्शन है, डिस्प्ले का ऑप्शन है, शॉपिंग वगैरह का है, राइट। शॉपिंग में भी आप अपनी वेबसाइट वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। अगेन वीडियोस वगैरह भी है यहाँ पे, ऐप भी है, राइट। सो ऑल ऑफ द ऑप्शंस राइट नाउ हियर पॉसिबली अवेलेबल। सो आप क्या करवाना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस मैक्स ऑप्शन है, सो यहाँ पे आपको वेबसाइट वगैरह यहाँ पे डालना होगा, राइट। सो इट्स बेटर इफ यू बिल्ड अप वेबसाइट एंड देन यू कैन जस्ट कम ओवर हियर। और फिर ये चीज़ है, या तो आपका कोई चैनल चल रहा हो, राइट। सो ऑल्सो यू कैन जस्ट ट्राई टू ऑप्टिमाइज फॉर द नेटवर्क ट्राफिक थ्रू हियर, राइट। सो यहाँ से जैसे यूट्यूब वगैरह है, राइट। सो जैसे आपका चैनल चल रहा है, सो ऑफ कोर्स यू कैन गो ओवर हियर। सो वीडियोस कैटेगरी है, सो बेसिकली दे विल रीच टू द व्यूअर्स ऑन अ यूट्यूब एंड गेट द मैक्सिमम कन्वर्जेशन, राइट। सो यूट्यूब हमारा यहाँ पे ये कैटेगरी में आएगा एंड वी कैन जस्ट डू दिस काइंड ऑफ कैंपेन्स। अब यहाँ पे इतने सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है कि कस्टम वीडियो कैंपेन करना है, टारगेट फ्रीक्वेंसी करना है, नॉन स्किपेबल करना है, राइट। सो यहाँ पे अभी हम चले जाएंगे इन द कस्टम वीडियो कैंपेन, राइट। सो कस्टमाइजिंग योर ओन सेटिंग्स, कीपेबल इन स्ट्रीम एड्स, बम्पर एड्स, इन फीड वीडियो करना है, क्या करना है, सो हम पूरा उसको कैंपेन को यहाँ से कस्टमाइज करेंगे। सो लेट्स सी क्विकली हियर कि यहाँ पे हम कैंपेन का नेम वगैरह करेंगे, क्या नाम रखना है, जस्ट इट्स जस्ट ओवर यू। यहाँ पे हम बिड स्ट्रैटेजी करवाएंगे, दैट हाउ एग्जैक्टली यू वॉन्ट टू सिलेक्ट फॉर अ बिड। मैक्सिमम सीवी सीपीवी है, टारगेटेड सीपीएम है, राइट। द फॉलोइंग बिड स्ट्रैटेजी आर नॉट अवेलेबल इन दिस कैंपेन, सो हम देख लेंगे कि क्या चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। फिर कैंपेन का बजट वगैरह है कि कितना बजट मुझे रखना है, लेट्स से यहाँ पे मैं 5000 रख दूंगा, राइट। सो इट्स लाइक यू नीड टू ऐड द फंड्स थ्रू द टूल एंड सेटिंग्स। टूल एंड सेटिंग मतलब यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह में जाके आप यहाँ फंड्स जो भी है, बजट जो भी है, यू हैव टू ऐड फ्रॉम द इंटरनेट बैंकिंग। सो यहाँ फंड्स वगैरह में आ जाएगा एंड देन यू कैन जस्ट सेट द कैंपेन टोटल। कि लेट्स से अगर आपने 10,000 रुपीज़ यहाँ पे गूगल एड्स में डिपॉजिट किया, सो आई वॉन्ट टू रन दिस कैंपेन फॉर द 5,000 रुपीज़, राइट। यहाँ से आपकी स्टार्ट डेट आ गई कि क्या स्टार्ट डेट करनी है। यहाँ पे एंड डेट है जिसमें वीक्स भी अवेलेबल है, राइट, मंथ भी अवेलेबल है, या तो फिर स्पेसिफिक डेट भी अवेलेबल है। सो लेट्स से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 वीक्स हैं। सो 5,000 बजट में 15 दिन के लिए ये कैंपेन चलेगा। सो बेसिकली दैट इज डिवाइडिंग द अमाउंट। सो 333.33 डेली बजट हो जाएगा आपका, और ये कैंपेन आपका चलेगा थ्रू द 15 नंबर ऑफ डेज। यहाँ 15 दिन तक ये कैंपेन चलेगा जहाँ पे गूगल एड्स जो है वो बेसिकली अपना ट्रैफिक भेजता रहेगा, आपकी कैंपेनिंग भेजता रहेगा दूसरी यूजर्स के पास, राइट। और कब तक भेजेगा, दैट विल अप टू 15 डेज। सो वंस दिस कैंपेन इज सेट, ऑफ कोर्स अगर कैंपेन खत्म होने आया, यू वांट टू इंक्रीज द बजट, यू कैन इंक्रीज, और यू वांट टू चेंज द एंड डेट, यू कैन चेंज इट फ्रॉम हियर, राइट। यहाँ पे नेटवर्क्स वगैरह है, सो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अवेलेबल है। यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स में आपका आएगा, यूट्यूब वीडियोज में आएगा, वीडियो पार्टनर ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। सो कैंपेन दैट आर एलिजिबल फॉर इनफीड वीडियोज एड्स नाउ ऑन द बोथ, मतलब यूट्यूब नेटवर्क यहाँ पे जो भी इनफीड वीडियोज वगैरह में दिखेगा, सो सारी चीज़ें वो गूगल एड्स जो है वो भेजता रहेगा, राइट, ऑन दिस नेटवर्क्स। अब यहाँ पे लोकेशन है कि बेसिकली विच लोकेशन यू वॉन्ट टू टारगेट, मतलब अगर यहाँ पे ऑल कंट्रीज एंड टेरेटरीज, सो वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई भी कंट्री में आपका कैंपेन जो है रन होगा, राइट। वेदर somebody is sitting in the USA or somebody is sitting in the Germany, so they will have your ads if I am selecting the first option. अगर मैं ये ad जो मेरा है वो सिर्फ इंडिया में रन करवाना चाह रहा हूँ, लेट्स से मेरा प्रोडक्ट ऐसा कुछ है जो इंडिया में यूज़ होने वाला है, सो आई कैन सेलेक्ट और दिस ऑप्शन, राइट। या तो फिर अगर कोई अनदर लोकेशन है
जो स्पेसिफिकली आपको डालना है यहाँ पे, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन हियर। अब यहाँ से लैंग्वेजेस ऑप्शन अवेलेबल है इंग्लिश एंड हिंदी, राइट? सो इफ यू आर मेकिंग योर प्रोडक्ट और वीडियोस और चैनल्स और एनीथिंग इन अनदर लैंग्वेज, सो यहाँ से आप, लेट्स से अगर चाइनीज़ में आपने कुछ, आपकी फर्म चल रही है, बिजनेस चल रहा है, तो यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर द चाइनीज, राइट? सो यहाँ इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये आपका ग्रुप का नाम हो गया। नाउ यहाँ से आपके डेमोग्राफिक वगैरह भी आप यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं, राइट? सो दिस आर द वेरी स्मॉल स्मॉल पैरामीटर्स इन्वॉल्व, स्मॉल थिंग्स, कि एक कैंपेन में एक चीज़ छूटने से, या तो इफ लेट्स से इफ यू आर नॉट फोकस इन ऑन अ पर्टिकुलर थिंग्स, सो बेसिकली आपका कैंपेन फेल हो सकता है, आपका बजट खाली हो जाएगा, एंड एट द एंड यू विल नॉट रीच अबाउट द एन नंबर ऑफ टारगेटेड ऑडियंस, राइट? मतलब या तो फिर ये होगा कि पहुंच भी जाओगे बट दे विल जस्ट स्किप, राइट? उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा आपके चैनल पे आने में या आपके वेबसाइट पे आने में, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉट बिजनेस यू आर रनिंग एंड वॉट योर कस्टमर्स विल बी लुकिंग फॉर, राइट? उनका इंटरेस्ट और आपका फर्म बिजनेस दोनों मैच होगा तब भी कोई आपके वेबसाइट पे या चैनल पे यहाँ पे आएगा, राइट? सो यहाँ इतने सारे ऑप्शन हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप ऐसे कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, राइट, या फिर ऐसा कोई क्लोथ्स की या कोई ब्रांड से, लेट्स से, तो आपने सिर्फ मेल के लिए बनाया है एंड यू हैव सिलेक्टेड द ऑप्शन फीमेल, राइट? सो आपके स्टोर में अगर कोई फीमेल आएगी, लेट्स से, सो इट मे पॉसिबल कि आपका तो प्रोडक्ट ही नहीं है वो, सो आपका कैंपेन यहाँ पे फेल हो रहा है, राइट? बिकॉज यू आर नॉट हैविंग अ कैटेगराइज प्रोडक्ट एंड इन द कैंपेन यू आर जस्ट मेंशनिंग द कैटेगरी फॉर द बोथ, समझ रहे हैं आप? मतलब या तो फिर आपका ऐसी कोई टॉप है या एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द फीमेल्स, सो अगर यही चीज़ बना रहे हैं एंड लेट्स से अगर वो कैंपेन्स पहुँच रहा है टू द मेल, सो बेसिकली ये चीज़ पॉसिबल है कि उनको वहाँ पे कोई इंटरेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इट डिपेंड्स, राइट? सो यू हैव टू जस्ट एनालाइज वॉट काइंड ऑफ ऑडियंस यू वॉन्ट टू टारगेट, राइट? जैसे एज ग्रुप में भी हो गया। अब यहाँ पे अगर आपका बिजनेस जो है, आपकी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, इफ दैट इज यूजफुल टू द एज ग्रुप हु आर 65+, अगर है तब भी आप सिलेक्ट कीजिए या तो फिर इसको हटा दीजिए, राइट? बिकॉज अननेसेसरी व्हाट विल हैपन, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और आपका एड्स यहाँ पहुँच जाएगा एंड दे विल जस्ट स्किप, राइट? जैसे अगर कार्टून चैनल्स है, सो व्हाट द बिजनेस स्ट्रैटेजीज के मोस्टली दे विल जस्ट ट्राई टू पिक दिस काइंड ऑफ ऑडियंस 18-24। सो पॉसिबली यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं ये आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? सो चूज दिस केयरफुली बिकॉज दैट विल बी अ क्रूशियल रोल ओवर हियर। नाउ इन द ऑडियंस सेगमेंट, यहाँ पे आप जो भी बना रहे हैं, सो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है कि आपका किस फॉर्म में आपका चल रहा है, राइट? एजुकेशन में है, टेक्नोलॉजी में है, वेब डिजाइनिंग में है, राइट? सोशल मीडिया में है, सो इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सो वी कैन जस्ट सिलेक्ट द ऑडियंस सेगमेंट टू डिफाइन हु शुड सी योर एड्स, राइट? अगर मेरी गेमिंग की चैनल है, सो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, वीडियो गेमिंग स्ट्रीमिंग सर्विसेज, राइट? सो मोर दिस कैंपेन विल शो अवर एड्स टू दिस काइंड ऑफ कैटेगरी ऑफ द पीपल, राइट? हु आर मोर इंटरेस्टेड टू प्ले द गेम्स, राइट? सो यहाँ से आपको क्या सिलेक्ट करना है, जस्ट केयरफुली सिलेक्ट। अगर आपका कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैनल है, सो या तो कोई वेबसाइट है या तो कोई आपका स्टोर है, राइट? सो कैटेगरीज यहाँ पे पॉसिबली ऑप्शन अवेलेबल है, तो उनको ही वो ये एड्स वगैरह दिखाएगा, राइट? अब यहाँ पे आ गया कीवर्ड पार्ट। सो कीवर्ड इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल इन द सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन, राइट? बिकॉज यहाँ से पता चलता है कि कंज्यूमर बेसिकली किस तरह से सर्च कर रहा है, राइट? सो आपको इस तरह से यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह डालने हैं,
सो यू कैन हैव द वेबसाइट्स के जहाँ पे ऐसे वेबसाइट अवेलेबल है जो आपको कीवर्ड्स भी वगैरह भी प्रोवाइड करवाती है, राइट? जैसे आप SERP टूल्स में सैमरश में चले गए, सो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने कीवर्ड्स पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, राइट? या तो कंज्यूमर किस तरह से कौन से कीवर्ड से क्या सर्च कर रहे हैं, राइट? सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन पिक द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स और यहाँ पे आप वो चीज़ डाल देंगे, राइट? सो नेक्स्ट दैट इज़ अ क्रिएट वीडियो एड्स, कि जहाँ पे अगर जैसे ये यूट्यूब के लिए हम कर रहे हैं, सो आपकी चैनल में से यहाँ से कोई भी एक वीडियो की लिंक जो आप दिखाना चाह रहे हैं, सो यहाँ पे आप वो URL पेस्ट कर सकते हैं, राइट? और द लास्ट कैटेगरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज़ अ बिडिंग स्ट्रेटर्जी। सो मैक्सिमम CPV पर बिड, सो यहाँ पे क्या हमें करवाना है, सो इस हिसाब से यहाँ पे हमें बिड की अमाउंट रखनी होगी, राइट? सो इट्स लाइक कॉस्ट पर व्यू, कि आप कितनी कॉस्टिंग देना चाह रहे हैं पर व्यू, राइट? सो हाईएस्ट अमाउंट दैट यू आर विलिंग टू पे फॉर सम वन टू व्यू योर एड, मतलब आप कितना पैसा देना चाह रहे हैं मैक्सिमम, दैट इज अ कॉस्ट पर व्यू। तो सामने वाला देखे तो इतना पैसा मेरा कटे, राइट? सो इतने सारे यहाँ पे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। सो पूरा आप जब कैंपेन सेट कर लेंगे, सो उसके बाद दैट विल कम अंडर द वीडियो कैंपेन कैटेगरी लिस्ट, और जैसे ही वो सारा पैरामीटर चेक कर लेगा एंड यू आर एलिजिबल फॉर द कैंपेन, सो आपका कैंपेन रन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड बेसिकली द गूगल ऐड विल स्टार्ट फॉरवर्डिंग योर एड्स टू द कस्टमर्स, राइट? जिस हिसाब से आपने यहाँ पे पूरा सेट किया होगा, सो इस हिसाब से वो सेंड करना स्टार्ट कर देगा। सो आई विल जस्ट क्विकली शो यू हाउ एग्जैक्टली यू कैन जस्ट राइट इन विच टैक्स, राइट? सो कैंपेन नेम, इस तरह से आप कुछ कैंपेन नेम दे सकते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। कॉस्ट पर व्यू, सो क्या कॉस्ट पर व्यू आपको देना है, किस तरह से रखना है, राइट? ये आपका बजट एरिया हो गया, यहाँ पे आपको डेली सेट करना है या मंथली सेट करना है या जैसे टोटली कैंपेन का टोटल करना है, राइट? जैसे आई वॉन्ट टू स्पेंड 1000 रुपीज़ फॉर दिस कैंपेन, या तो फिर डेली आई वॉन्ट टू जस्ट स्पेंड 10 रुपीज़ फ्रॉम माई बजट टिल 31 जुलाई, राइट? सो इस तरह से हमने कंट्री वगैरह सेट कर ली, यहाँ से लैंग्वेजेस सेट कर लेते हैं। दिस आर द डिवाइसेस दैट लेट्स से आई वॉन्ट टू रन दिस एड, राइट? यहाँ से डिटेलिंग भी है, बट इट्स ओके। नाउ अनदर टर्म दैट इज अ फ्रीक्वेंसी कैपिंग। सो फ्रीक्वेंसी कैपिंग में हम ये चीज़ देते हैं कि लेट्स से ये कैंपेन रन हो गया, सो हाउ मैनी टाइम्स आई वॉन्ट टू लिमिट माई एड्स वाइल इट्स रनिंग, राइट? सो एक ही यूज़र को मेरा एड कितनी बार दिखना चाहिए उसकी मैं यहाँ पे कैपिंग लगा रहा हूँ, राइट? सो लेट्स से यहाँ पे इम्प्रेशन कैप, यहाँ पे कैप फ्रीक्वेंसी है 1, यानी इफ आई एम सिलेक्टिंग पर मंथ, यहाँ पे इतने ऑप्शंस अवेलेबल है। सो जो एड चलेगा वो यूज़र को एक दिन में एक ही बार दिखाए, या तो फिर एक दिन में, इट्स लाइक द नंबर ऑफ काउंट यू वांट टू शो इट टू द यूज़र एंड दिस इज़ द टाइम लिमिट, मतलब एक इम्प्रेशन कैप एक हफ्ते में एक यूज़र को एक ही बार आए, राइट? या तो एक, ये आपका मंथली, मतलब वो यूज़र एक ही बार देख पाए, राइट? सो वरना क्या चीज़ होगा, अगर यूज़र आपका कंज्यूमर है वो अगर सब्सक्राइब करना चाहेगा तो वो कर लेगा, या तो फिर व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट सेट दिस, सो दैट विल कीप ऑन इरिटेटिंग दैम, राइट? सो इट्स बेटर टू सेट, लेट्स से कि हम एक महीने में वो एड हमारा जो है वो यूज़र को एक ही टाइम बताए, राइट? यहाँ पे दूसरा जो आ गया हमारा स्केड्यूल वगैरह आ गया कि किस तरह से हमें कितने टाइम में रन होना चाहिए तो पूरे दिन वो चलता रहे, राइट? दूसरा यहाँ पे ये हमने देख लिया डेमोग्राफिक के क्या कैटेगरी को सेट करना है हमें, राइट? ये सारी चीज़ देख ली, ये भी चीज़ देख लिया हमने कि किस कैटेगरी यूज़र्स को कौन सी ऑडियंस सेगमेंट को बेसिकली वी वॉन्ट टू टारगेट, राइट? सो यहाँ से आप
टेक्नोलॉजी चैनल है, सो इस हिसाब से कर सकते हैं। नाउ दिस इज द पार्ट। सो यहाँ पे दो ऑप्शन अवेलेबल्स है, राइट, स्किपेबल इन स्ट्रीम ऐड और इन फीड वीडियो। सो इस तरह से लेट्स से यू इफ़ यू आर सेलेक्टिंग एनी ऑफ द वीडियो फ्रॉम द लिस्ट, सो यहाँ से आप उसका यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए, तो इस तरह दिखेगा। और यहाँ से आप जो भी हेडलाइन वगैरह यहाँ पे देना चाहते हैं, सो यहाँ पे वो दिख जाएगा, राइट। डिस्क्रिप्शन में जैसे फुल प्लेलिस्ट लिख दिया हमने, इस तरह से जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हो, सो आप वहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज द फॉर्मेट हाउ एग्जैक्टली दैट एड विल बी शोन इन टू द यूजर्स लिस्ट, राइट। इस तरह से कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, एंड ये चीज़ आपकी होगी, दैट इज़ अ बिडिंग मैक्सिमम सीपीवी की कॉस्ट पर व्यू हमें क्या चीज़ सेट करना है, राइट। सो बेस्ड ऑन दैट द कैंपेन विल स्टार्ट रनिंग, राइट। सो वंस यू हिट ऑन क्रिएट कैंपेन, सो आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। सो एट द एंड द क्वेश्चन वॉज 1 मिलियन व्यू पॉसिबल होंगे कि नहीं, राइट। सो इट विल बी पॉसिबल, जस्ट आप अच्छे कंटेंट बनाते रहिए, लोगों को अच्छा सर्व कीजिए, सर्व गुड टू द सोसाइटी, राइट। सो पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, राइट। जस्ट वेट एंड वॉच एंड सी द फ्यूचर, एंड विल जस्ट कीप ऑन चेकिंग मोर कंसेप्ट्स। सो स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।